होनी चाहिए, मगर हो गई तो क्या होगा, यही हमारा आज का पहला सेगमेंट है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान में और भारत में ताल्लुकात कशीदा होते हैं, हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक तबका जंग से कम पे किसी बात पे राजी ही नहीं लगता। इस बार जो हालात हैं देखा जाए तो पाकिस्तान में तो फिर भी कुछ ना कुछ सब्र का, सुकून का माहौल है और लोग जो हैं रिस्ट्रेंट का भी बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के लीडर्स तो पागल हुए जा रहे हैं। ज़रा देख लीजिए पहले कि इस वक्त हिंदुस्तान के मीडिया में क्या गुफ्तगू चल रही है। देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनल कंसेंसस फॉर हिटिंग पाकिस्तान हार्ड। इट्स पेबैक टाइम फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स। टॉक्स विद पाकिस्तान आर नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। उरी हमले का करारा जवाब देने की तैयारी में भारत, सूत्रों के हवाले से खबर। सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। एनएसए अजीत डोवल के साथ सेना और खुफिया एजेंसियों की बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा। जल्द ही पीएम को दिया जाएगा प्रेजेंटेशन। हम सब भावना में बह जाते हैं, किसी भी चीज को करने के लिए ठंडे दिमाग से सोची सोच समझकर रणनीति के तहत काम करना। एज आई सेड आवर पेशेंस इज नियरली एग्जॉस्टेड नाउ। भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन भावनाओं में सिर्फ मीडिया ही नहीं बह रहा, मीडिया के हिंदुस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी बह रहे हैं। अरुण जेटले साहब जो हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और मोदी साहब के इंतहाई करीबी आदमी भी समझे जाते हैं और भारत की सियासत में चंद बड़े सियासतदानों में उनका शुमार होता है, उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए। भारत ने इनका ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आज की घटना इस बात के लिए हमें तैयार करती है कि आगे के लिए हमें और हमारी सुरक्षा फोर्सेस को और भी तैयार होना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो मामला है वो बड़ा सेंसिटिव है पाकिस्तान, पाकिस्तान की क़यादत के लिए, और हमेशा ही इसको रिजिस्ट किया है बड़े ताकतवर अल्फाज से। परवेज मुशर्रफ साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर पाकिस्तान का मौकफ कुछ यूं दिया, ये भी जरा सुन लीजिए। Wherever you strike, there'll be a strike back. How dare they talk of surgical strike? What surgical strike? परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा जब भी आप स्ट्राइक करेंगे स्ट्राइक बैक होगा, लेकिन हाल ही में वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में जो बयान दिया उसके ऊपर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को, डिप्लोमेसी को तो झटका लगा ही लगा, लेकिन वजीर दफा की तरफ से ये बयान एक दोबारा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को तो बताता था, लेकिन शायद वैसी बात थी जो वजीर दिफा के मुंह से नहीं आनी चाहिए थी। वजीर दिफा ने बहरहाल क्या कहा जरा सुन लीजिए। हमारा जो टैक्टिकल वेपन्स जो हैं उनमें हमें बरतरी हासिल है, अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने कदम रखा और किसी के अजायम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है के मुतल्लक जो है वो ख़तरनाक हुए, तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल। लेकिन एटमी जंग होती क्या है, अगर एटमी जंग हो गई तो क्या होगा, ये वो सवालात हैं जिनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी बात करने की ज़रूरत है कि आखिर एटमी जंग होती क्या है। 2013 में एक ब्लॉग लिखा गया, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्लॉग लिखा गया जिसमें एक मंजरकशी की गई कि 2019 में अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक जंग होती है जिसमें एटमी हथियार इस्तेमाल होंगे तो फिर मामला होगा कैसे, मंजरनामा क्या होगा। हम अपने इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपको उस ब्लॉग की मदद से, उस स्टोरी की मदद से, डॉक्टर परवेज हूद भाई ने एक अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और मज़ीद दस्तावेज से ये थोड़ा सा बता सकें कि अगर पाकिस्तान में और भारत में खुदा न खास्ता एटमी जंग होती है तो पाकिस्तान में और भारत में हालात क्या होंगे, हमारे शहरों के हालात क्या होंगे। अगर इस कहानी की तरफ वापस चलते हैं जो 2013 में लिखी गई, उसमें एक फिक्शनल करेक्टर बनाए गए हैं, फिक्शनल बातें की गई हैं। कहानी शुरू होती है 28 जनवरी 2019 से, यानी आज से 3 साल के बाद। कहा गया कि 28 जनवरी 2019 को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल अटैक्स करेंगे, जिस तरह से अभी इंडिया का मीडिया कह भी रहा था, और उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदारान को जवाब देंगे। लिहाजा 29 जनवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के त्यारे मिराज 2000, रफेल और सिकोई
MK-130 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं। भारत हमले के लिए लाहौर के बजाय मुल्तान का इंतखाब करता है क्योंकि भारत का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की फोर्सेस लाहौर के ऊपर फोकस होंगी, लिहाजा वो हमले के लिए लाहौर के बजाय मुल्तान के शहर को फोकस करता है। T-90 और T-72 टैंक्स मीरगढ़ के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान के अल खालिद टैंक से टकराते हैं। पाकिस्तान के और भारत के टैंक्स का ये जो बैटल है ये मीरगढ़ का मुकाम के ऊपर होती है। इस ब्लॉग के मुताबिक भारत की अददी अक्सरियत को देखते हुए पाकिस्तान को ये महसूस होता है कि टैंकों की ये लड़ाई वो नहीं जीत पाएंगे और मुल्तान तक भारत का जो दाखला है वो मुमकिन हो सकेगा, लिहाजा पाकिस्तान की फौजी क़यादत एक अहम फैसला करती है और वो फैसला करती है न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन यूज़ करने का। सुबह दो बजे पाकिस्तान का 31 जनवरी 2009 रात को 2:16 के ऊपर पाकिस्तान का जो मिज़ाइल है हतफ मिज़ाइल वो पहला न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन फायर होता है। उसके चंद ही लम्हों के बाद दूसरा न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन फायर होता है। भारत की पूरी जो टैंक्स की ब्रिगेड है, जो बटालियन है, वो इन हमलों में कोयला बन जाती है। उनके तमाम जो फौज है वो टैंकों के अंदर ही कोयला बन जाती है। इसके बाद भारत के पास मौका आता है कि वो इसका जवाब दे, इस स्ट्राइक का जवाब दे सके। इस मकसद के लिए भारत के पास तीन शहर हैं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी। लाहौर पर हमले का सोचा जाता है और मुस्तरद किया जाता है इसलिए कि भारत की अपनी बहुत बड़ी फौज लाहौर से कुछ ही दूर के ऊपर है, अमृतसर के पास। लिहाजा अगर एटमी हमला लाहौर पर होता है तो उसके असरात वहां पर जाएंगे, लिहाजा उसको रोक दिया जाता है। रावलपिंडी के साथ भी मामला यही है कि अगर वहां पे होगा तो फिर उसका असरात भी वहीं पर जो है वो जाएंगे। लेकिन कराची के ऊपर हमला इसलिए नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी सिविलियन आबादी के ऊपर अगर हमला होगा तो फिर आप इंटरनेशनल दुनिया को क्या जस्टिफाई करेंगे। लिहाजा भारत एक बार फिर इस ब्लॉक के इस तसव्वुराती ब्लॉक के अंदर मुल्तान पर एटमी हमले का फैसला करता है। लिहाजा अगले दिन भारत का एक पृथ्वी मिसाइल हिरोशिमा से 3 गुना बड़ी ताकत का मिसाइल मुल्तान के ऊपर फायर होता है और मुल्तान शहर चंद लम्हों में मौत के हवाले हो जाता है। सिर्फ आग का एक गोला मुल्तान के ऊपर जाहिर आता है और उसके बाद फजा में उबरता है और उसके बाद मुल्तान में इमारतें, पुल, इंसान, चिरिंद परिंद कुछ भी नहीं बचता। सिर्फ मौत का रक्स है जो कि दुनिया देख सकती है। मुल्तान पर इस हमले से पाकिस्तान की क़यादत एक हैजानी कैफियत का शिकार होती है और पाकिस्तान की क़यादत मुल्तान के इसका बदला लेने का फैसला करती है। विंग कमांडर तौसीफ अहमद, ये भी एक फिक्शनल करेक्टर हैं, विंग कमांडर तौसीफ अहमद फॉल्कन स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान के सबसे मायानाज पायलट्स में से एक हैं और वो मोटरवे के ऊपर से F-16 तियारा उड़ाते हैं। शहबाज एयरबेस से F-16 तियारा नहीं उड़ाया जाता ताकि भारत के रेडार सिस्टम को डिफीट किया जा सके, उसको धोखा दिया जा सके। मुल्तान ये मोटरवे से ये F-16 तियारा बुलंद होता है और इस F-16 तियारे के ऊपर 1 मेगाटन न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो फिट है। कोनार्ट सेंटर सुबह 8:47 कोनार्ट प्लेस दिल्ली ये तियारा पहुंचता है और कोनार्ट प्लेस दिल्ली के ऊपर तौसीफ अहमद ये बॉम्ब रिलीज कर देते हैं। इस बॉम्ब को हवा जो ही छूती है, जब ये बॉम्ब रिलीज होता है और इसको हवा छूती है तो चंद मिनटों में ये जो बॉम्ब है ये एक आग का गोला बन जाता है और दर्जा हरारत दिल्ली में वही हो जाएगा जो कि सूरज का दर्जा हरारत है। ज़मीन, मेटल, इंसान, जो कुछ भी दिल्ली में उस वक्त मौजूद था वो सारे का सारा लम्हों में महलूल बन जाएगा। सदारती महल, होटल, सियासतदान, पार्लियामान, फौजी सब लम्हों में ख़त्म हो जाएंगे। जब आग का ये गोला ख़त्म होता है तो शॉक वेव आती है, जो शॉक वेव आती है उसके नतीजे में एक तेज़ हवा जो सुपरसोनिक जहाज से भी ज़्यादा तेज़ होगी वो शहर को हिट करेगी और तमाम शहर बिल्कुल मिलिया मेट हो जाएगा।
शॉकवेव खत्म होता है तो फिर हवा जो बहुत ज्यादा गर्म है वो ऊपर उठती है और अपने साथ जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर के जो असरात हैं वो भी उसके साथ ऊपर जाते हैं और उसके बाद फिर बारिश होती है और लाहौर से अमृतसर तक का तमाम तर इलाका इसमें इंसानों से खाली हो जाएगा क्योंकि जहाँ जहाँ बारिश का ये कतरा गिरेगा वहाँ पर इंसान या कुछ भी हो वो उससे के जिस्म से पार होकर चला जाएगा और लाहौर और अमृतसर और दिल्ली के आगे और ये लाहौर के भी आगे कुछ नहीं बचता। दोनों ममालिक के जिम्मेदारान इन हमलों में हलाक हो जाते हैं इस ब्लॉग के मुताबिक और फिर सेकेंड जो क्यादत है जो लोअर क्यादत है उसके हाथ न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो लगते हैं। मुल्तान और दिल्ली के बाद लाहौर कराची रावलपिंडी हैदराबाद और गवादर पर इंडियन न्यूक्लियर हमला होता है जबकि अहमदाबाद लुधियाना जलंधर सूरत और आगरा पाकिस्तान के कीमियाई हमलों का निशाना बनते हैं। एक लॉन्ग रेंज मिसाइल बम्बई को भी अपना निशाना बनाता है। दोनों मुल्कों की इस एटमी जंग के बाद दोनों मुल्कों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल ही गायब हो जाएगा और उसके बाद जो अगला मरहला है कि जो न्यूक्लियर की जो जो कीमियाई जो इसके जो असरात हैं न्यूक्लियर का असरात जो है उसका शाखसाना ये होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बड़ी आबादी है वो बच्चे पैदा करने के काबिल भी नहीं रहेगी लिहाजा आप अपनी जो पूरी नस्लें हैं उनको ही ख़त्म कर देंगे। यही कुछ तकरीबन डॉक्टर हूद भाई की जो जो डॉक्यूमेंट्री है उससे भी सामने जो चीज़ें आती हैं वो यही आती हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत में कोई भी मुल्क ये गलती करे और एक हद से आगे जाए और कीमियाई हथियार का इस्तेमाल के ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस जंग का कोई फैसला हो पाएगा। उस जंग के नतीजे में पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की बड़ी आबादी बिल्कुल मिलिया मेट हो जाएगी और पाकिस्तान और भारत में ज़्यादातर आबादी आगे बच्चे पैदा करने के काबिल भी हरगिज़ नहीं रहेगी। ये है वो जंग जिसके ऊपर भारत का मीडिया आजकल जोश और में आया हुआ है और चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग हो ही जाए। असरात देखने चाहिए, मुस्तकबिल को देखना चाहिए, डिसीजन मेकर्स को जाहिर है जज्बात की भावनाओं में जिस तरह से कह रहे थे वीपी सिंह साहब नहीं बहना चाहिए और अपनी मामलात को देखकर आगे चलना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हरगिज़ कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मामलात को बेहतर करना पड़ेगा, आपको जो रेजोल्यूशन है इश्यूज़ की उनकी तरफ आना पड़ेगा। एक दूसरे को हराने की बात छोड़ें, एक दूसरे के साथ बातचीत के साथ बात आगे बढ़ाने की कोशिश करें।